जनपद संभल की चंदौसी में 12 दिन पहले स्थापित की गई भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए उनके भक्त एबीसी मॉन्टेसरी स्कूल से ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुए। इस मौके पर बाबा के भक्त गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस जल्दिया के जयकारे लगा रहे थे, जिससे साफ तौर पर लग रहा था कि गणेश जी के भक्त उनसे बिछड़ने में काफी दुखी हैं। अभी आपने विसर्जन किया है गणपति जी का, इसमें क्या कहेंगे आप? भैया बच्चों ने 2 तारीख को जिस दिन गणपति स्थापित हुए थे उस दिन से 15 दिन के लिए गणपति रखे थे और काफ़ी उत्साह बच्चों में हम लोग ने देखा इधर ये 15 दिन में। और जिस समय आज गणपति विसर्जन के लिए जा रहे थे काफ़ी बच्चे रो भी रहे थे, काफ़ी शिक्षिकाएं भी रो रही थीं। और हम लोग का मकसद गणपति रखने का ये था कि हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग कास्ट के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, चाहे वो हिंदू बच्चा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब ने अपनी भागीदारी कही। कहीं ना कहीं प्रसाद भी उतना ही हिंदू बच्चों के यहाँ से आया जितना मुस्लिम बच्चों के यहाँ से आया। तो एक पेरेंट्स ने बड़ा अच्छा मिसाल पेश करी है और हम लोग जो दुनिया बनाते हैं, हम लोग गणपति स्थापित करके वो पास आने की कोशिश करते हैं। और मैं भगवान से यही अपेक्षा करती हूँ, गणपति जी से, कि वो सबको रिद्धि दे, सिद्धि दे, उन्नति करे। और जिस तरह से ये शो किया है इन्होंने 15 दिन एक अनेकता में एकता का, वो ऐसे ही कायम रहे।